हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू UPSC NI। तो अभी बजे सुबह के 11 एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, थोड़ी देर 5 मिनट पहले उठी हूँ, क्योंकि कल रात को मैं लेट सोई थी क्योंकि लेट लाइब्रेरी से आती हूँ मैं। और अभी क्या हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है तो लाइब्रेरी जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और मतलब पता नहीं क्यों बट मन नहीं कर रहा मेरे लाइब्रेरी जाने का। तो मैंने सोचा है कि अभी आज मतलब थोड़ा जितना भी देर मेरा मन करता है रूम पे पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे लाइब्रेरी वगैरह में, अगर मन करा तो पढ़ेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे। तो अभी फटाफट रूम क्लीन करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा हो रहा है मेरा रूम, अब फटाफट से साफ करते हैं एंड पढ़ने बैठते हैं। तो अभी सबसे पहले बेड बना लेते हैं, पूरे दिन का पहला टास्क मेरा होता है बेड बनाने का। एंड जब हम पहले टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे हमें एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है एंड जो हमें एंकरेज करता है दूसरे दूसरे काम करने के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द डे एक काम के वजह से, जो हमारा फर्स्ट टास्क था उसके वजह से बहुत सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका मॉर्निंग का फर्स्ट टास्क हो वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो एंड इजी भी हो, ताकि वो आप आसानी से कर भी ले एंड वो आपको हेल्प करे आपके एक्स्ट्रा जो अदर टास्क है उसको कंप्लीट कराने में। तो अभी बचे थे कुछ 11:45 के अराउंड, मैंने रूम साफ कर लिया है, अपने लिए खाना बना लिया था दोपहर का और रात का जो बनाते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं नहा के पढ़ने बैठ गई थी, पूजा वगैरह करके रेडी होके। मैं प्रॉपर रेडी होके पढ़ रही थी ताकि मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स में अगर पढ़ूंगी तो मुझे आलस आ जाएगा और मैं बेड पे चले जाऊंगी। रूम पे एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे सामने ही बेड रहता तो हमें थोड़ा सा आलस भी आता, तो हम सोचते कि चलो अगर हमें टाइम पास भी कर रहा है, अगर हमने 10 मिनट का ब्रेक भी लिया है तो हम बेड में बैठ के बेड में लेट जाते 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट लेटने में कब 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रेक लेने के लिए बेड पे गए थे कि थोड़ा कमर सीधा कर लेंगे और वो उसमें हम कब सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। फर्स्ट लॉट को करने के बाद मुझे भूख लग गई थी तो चाय और ब्रेड मेरा आज सुबह का ब्रेकफास्ट था, तो इसे खा लेते हैं। गाइज आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिशा पब्लिकेशन का 10,000+ ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज MCQ बुक, जिसमें 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स है एंड जो सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, एंड ये बुक 5th edition में है। इस बुक को डिवाइड किया गया है 10 सेक्शन में जो कि फर्दर 52 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा के MCQs है रिविजन पर्पज के लिए एंड फाइनल प्रैक्टिस के लिए। ये 10 सेक्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मेजर इवेंट्स जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों आते हैं, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल एंड करंट अफेयर्स है। एग्जाम स्पेशल में फर्दर 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस इंडेक्स सभी कुछ आता है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इस बुक में एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में। एक ये बुक जो है वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स में अपडेटेड है एंड इसमें जनरल नॉलेज भी एकदम अप टू डेट है। ये बुक UPSC एंड स्टेट PSC दोनों के लिए ही यूज़फुल है। एंड ये बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप भी UPSC या स्टेट PSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक मस्ट बुक है आप लोगों के प्रिपरेशन में। तो देरी किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके को इस बुक को परचेज कर सकते हैं एंड अपने प्रिपरेशन में जो MCQ वाला पोर्शन है उसको 10 बुक की जगह एक बुक से कवर कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया था एंड उसके बाद फिर वापस से मैं वापस टेबल पे आ गई थी बैठने। इस स्लॉट में मैं रिवीजन कर रही हूँ, जो भी मेरे पुराने नोट्स बने हुए थे, जो भी सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं उसके रोज़ अब मैं एक पोर्शन, एक जो स्लॉट है मेरा उसमें रिविजन डाल रही हूँ एंड उन नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ एंड उसको छोटे छोटे नोट्स बना ले रही हूँ। क्योंकि जब हम रिवाइज करते जाते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें याद होती जाती है, तो जो हमें याद होती जाती है उस चीज़ को मैं नोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ याद मुझे नहीं हो रही है मैं उस चीज़ को नोट करते जा रही हूँ एंड बहुत छोटे छोटे मैं लिख रही हूँ, कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ताकि मुझे एक कीवर्ड से पूरा वो लाइन याद आ जाए। एंड बिलीव मी गाइस, दिस एक्सरसाइज इज़ रियली हेल्पिंग मी, लाइक दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आप लोग अगर ऐसे लिख लिख के याद नहीं करते हो तो यू शुड ट्राई दिस, एंड अगर आप लिख लिख के रिवाइज करते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। पढ़ाई करने के बाद मैं नीचे वॉक करने आ गई थी एंड वॉक करने के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ पीने का मन करा था, तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करा था एक मिक्स्ड फ्रूट जूस। तो अभी मैं फटाफट वो पीऊँगी एंड उसके बाद हम जाएंगे पढ़ने वापस से ऊपर
एंड मुझे मंदिर भी जाना था एंड वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि रोज़ रोज़ अगर मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगी तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा एंड ऐसा लगता है मुझे कि एक चीज़ देख देख के आप लोग भी बोर हो जाओगे। और एक और बात ये कि मैं वीडियो इसलिए भी लंबा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे 6 या 7 मिनट की वीडियो, मैक्स टू मैक्स 8 मिनट का वीडियो रखती हूँ जब अगर लंबा हो जाता है वो वीडियो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो एंड मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका टाइम होता है एंड जो स्टूडेंट इस टाइम की वैल्यू को समझ गया यार वो आगे ज़रूर जाता है अपने लाइफ में। तो आप लोग भी अपने टाइम की वैल्यू करो और अपने पूरे दिन के शेड्यूल में पहचानो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। अगर वो टाइम आपके प्रोडक्टिव टाइम जो है आपका इम्पॉर्टेंट टाइम जो है आपका प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहा है तब तो वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो एंड वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो जो आपको अपने करियर ग्रोथ में लगाना था, सो माय डियर यू हैव टू चेंज योर शेड्यूल एंड यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर गोल अबाउट योर करियर। तो अभी भी टाइम है, अगर आप 2024 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, 2025 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो यार स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल करियर एंड वॉट एवर इट इज, जस्ट स्टार्ट वर्किंग एंड इम्प्रूव योर सेल्फ। तो फाइनली डिनर करने के बाद मैं लाइब्रेरी में आ गई थी एंड लाइब्रेरी में आने के बाद मैंने स्टार्ट करा न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने मैगजीन वगैरह सब घर पे कंप्लीट कर लिया था तो अब मुझे न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है, न्यूज़ एनालिसिस कंप्लीट करना है एंड आज का जो क्लास है वो कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट नहीं करा था। तो अभी मुझे टाइम लग जाएगा उसको करने में एंड शायद लाइब्रेरी से मैं सुबह के 3 या max to max 3:30 बजे तक वापस जाऊंगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी अगर बताना हो, पूछना हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करते हो। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।